How to increase height in age of 21 years of age? Can you prescribe medicine or methods to increase by inch? Current height is 183. देखिए अर्नव, अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो गए हैं, विच आई एम अज्यूमिंग 21 इयर्स पे हो गए होंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन पोस्चर करेक्शन से हम लोग ट्राई कर सकते हैं. एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, स्पेशली अगर आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, तो उसको हम सही करके अप टू 1.5 to 2 इंचेस तक भी हाइट बढ़ा सकते हैं. आप मेरा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिए. तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो मैंने टाइप किया है चैट में, वो आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डालना है. उसके साथ में थिंकपिल आपको डालना है. आई एम अज्यूमिंग थिंकपिल का स्पेलिंग तो आपको पता होगा. तो ये आप डालोगे तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट वाला वीडियो आपको मिल जाएगा. अच्छा, अभी वो वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी है किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके स्पाइन का कर्वेचर कैसा है. उसमें एक टेस्ट है जो आप घर पर आपको करना है, उससे आपको पता चल जाता है. इन द सेम वीडियो मैंने बताया है कि उसको सही कैसे करना है. सम एक्सरसाइजेस आई हैव मेंशन, तो वो आपको करना है. एंड कुछ स्लीपिंग स्ट्रेचेस, अभी रिसेंटली मैंने स्लीप स्ट्रेच पर एक वीडियो बनाया था, स्लीपिंग स्ट्रेच पर, तो वो भी देख लीजिए. उसमें मैंने कुछ ऐसे स्लीपिंग स्ट्रेचेस दिए थे विच आपको रात को सोने के जस्ट पहले, देर आर अराउंड 6 to 7 डिफरेंट पोजेस स्ट्रेचेस विच यू हैव टू डू जस्ट बिफोर स्लीपिंग. तो इससे क्या है कि आपकी स्पाइन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है एंड योर हाइट विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट बाय अ फ्यू सेंटीमीटर्स. कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि जब तक वो स्ट्रेचेस करते हैं तो स्पाइन का जो इफेक्ट है वो रहता है. एक बार वो स्ट्रेचेस या एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, देन दे अगेन रिवर्ट बैक टू बैड पोस्चर. तो वो अगर आपको स्पाइन का कर्वेचर प्रॉपर मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको टेस्ट करने हैं, ब्लड टेस्ट करने हैं, जिसको हम देखते हैं. विटामिन डी वगैरह सप्लीमेंट्स देते हैं. अभी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हम ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते, वी हैव टू सी हाउ मच विटामिन डी यू हैव इन योर बॉडी. और कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो हम लोग करते हैं, तो वो रिपोर्ट्स देखकर आपको, जब आप स्ट्रेचेस करते हो उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स भी हम स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपका जो स्पाइन का जो कर्वेचर का इम्प्रूवमेंट का या फिर पोस्चर करेक्शन का, जो आप एक्सरसाइज करते हो पोस्चर करेक्शन करते हो, वो आपको परमानेंट इफेक्ट रहे. ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कोई सवाल है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो. मेरी मेल आईडी है mumbailab2020@gmail.com, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम. बाय.